नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। अभी कुछ समय पहले योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था शिवपाल सिंह को लेकर के, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उन्हें जो जो केवल है वो चूरन खाते हैं, इस तरीके का उनका एक बयानबाजी था। और जिसके बाद शिवपाल की तरफ से एक बयान जारी किया गया है योगी आदित्यनाथ को लेकर के। उन्होंने कहा है कि वो केवल संतों जैसे कपड़े पहनते हैं, ज्ञान उन्हें रत्ती भर का भी नहीं है। ये शिवपाल की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। इस बयान को लेकर के जो पहले बयान दिया गया था योगी आदित्यनाथ ने, उसी को लेकर के ये तीखी प्रतिक्रिया है। दरअसल उन्होंने एक बात करते हुए कहा था कि जो शिवपाल की जो कद है वो पार्टी के अंदर घटी पड़ी है। पहले जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तब उनका जो कद था वो काफ़ी ज़्यादा था, अभी जो उनका कद है वो काफ़ी घट गया है और ये कद उनका जानबूझकर घटाया गया है। और उन्हें अगर कहीं बैठाया भी जाता है तो उन्हें केवल चूरन दी जाती है प्रसाद के नाम पर। ये इस तरीके की बयानबाजी योगी आदित्यनाथ ने की थी, जिसके ऊपर यहाँ पर पलटवार करते हुए शिवपाल ने कहा कि योगी आदित्यनाथ अगर भीड़ जुटाते हैं तो उनमें से 85% जो जनता होती है वो बाहर की होती है। इन्होंने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। ऐसे में देखिए वार पलटवार का जो दौर है वो चल ही रहा है और इन सब के बीच अभी जो लोकसभा चुनाव के बीच ये कोई एक पहला या दूसरा मामला नहीं है बयानबाजी का, तीखी प्रतिक्रिया का। इससे पहले बहुत सारे जो बयानबाजी है अन्य नेताओं की तरफ से वो दिए जाते रहे हैं और इस तरीके की बयानबाजी अभी जो फिलहाल तो है वो देखने को मिल ही रही है। और खासकर आपने देखा होगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के द्वारा जो बयानबाजी दिया गया था, उस बयानबाजी को लेकर के यहाँ पर चुनाव आयोग ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है, उन्होंने उससे जवाब भी मांगा है। तो ऐसे में अगर फिर से बयानबाजी योगी आदित्यनाथ और शिवपाल के बीच ये टक्कर का मुकाबला, बयानबाजी का सिलसिला, अब ये कहाँ तक ठहरता है, कहाँ तक उतरता है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।